और आज काफ़ी सनी है पूरा दिन, इसका सी धूप बहुत है यार। अभी मैं शाल लेकर आ गई हूँ, फ्राइडे शाल, एंड अब मैं नमाज़ पढ़ने जा रही हूँ। एंड यस गाइस, आज मैंने ये आउटफिट पहना है, ये मेरा ईद का जोड़ा है जो मैंने लास्ट ईयर ईद पर बनवाया था, तो ये वही जोड़ा है कुछ इस तरीके से। इस पर एम्ब्रॉयडरी है, यू गाइस कैन सी दिस, बहुत ब्यूटीफुल सा है ये। तो आज मैंने ये वेयर, पेंट का सामान आ गया है जो आज शाम को पेंट, मतलब अब घर में एक्चुअली पेंट स्टार्ट हो जाएगा ना, तो पेंटर जो है वो शाम को फ्री होकर आएंगे। और ये आए हैं बेसिक्स का, और ये पीओपी वगैरह सब चीज़ आ चुकी है। इधर आ गई है अनियंस भरकर, क्योंकि रमज़ान आ रहे हैं तो खूब सारी अनियंस की रिक्वायरमेंट होगी। तो आई थिंक ये 7-8 किलो, अम्मी 7-8 किलो लग रही है ना, 7-8 किलो ही है ये प्याज। चलो जी, सारी ग्रॉसरी आप लोग के साथ शाम को व्लॉग में शेयर करूँगी जो जो रिसीव हो गई है। तो जस्ट अभी एक पार्सल रिसीव हुआ है, ये क्लाइंट का ही आउटफिट है जो कि डिलीवर होना है। लेट्स सी कौन से वाले क्लाइंट का है, तो अभी मैं इसको ओपन करती हूँ, देखते हैं कि कौन सा ड्रेस है। मैं आ गई हूँ किचन में, और आज मैं बना रही हूँ फ्राइडे स्पेशल मसूर पुलाव। ये बॉम्बे की बहुत फेमस पुलाव रेसिपी है, डिश है। तो मैं कैसे बनाऊँगी मसूर पुलाव, मैं आप लोगों को बता देती हूँ। यहाँ मैंने राइस जो है वो सोक कर लिए हैं, पोटैटोस कट करा लिए हैं, साथ में ये अनियंस कट कर लिए हैं, और जो है ये जो दाल है मसूर दाल, ये मैंने बना ली है। तो अब मैं जा रही हूँ इसको बनाने के लिए, मैं कैसे बनाऊँगी आप लोगों के साथ शेयर। ये ऑयल जो है ना, जो सोयाबीन ऑयल है वो लेकर आए हैं रमज़ान के लिए, मैंने आप लोगों के साथ प्रीवियस व्लॉग में शेयर किया है, वो मैंने आज फर्स्ट टाइम मैं यूज़ कर रही हूँ। एंड आई नो ये बहुत अच्छा होगा, क्योंकि हम इमामी के काफ़ी प्रोडक्ट्स यूज़ कर चुके हैं, तो ये सोयाबीन ऑयल है, आई एम श्योर ये अच्छा ही होगा टेस्ट में। तो यहाँ मैंने ले लिया ऑयल, अब मैं ऐड करूँगी ज़ीरा, एंड देन मैं ऐड कर दूँगी ये अनियंस इसके अंदर, ठीक है जी। थोड़ा सा मैं ज़ीरा भी ऐड, तो यहाँ पर मैंने 2 मीडियम साइज़ के, मतलब एक बिग साइज़ का टमाटो था, और बाकी 7 to 8 ग्रीन चिलीज मैंने ऐड करके इसमें कट करके, सॉरी, और ऐड कर दिया। अभी हम इसको अच्छे से सौते करेंगे जब तक ये सॉफ्ट नहीं हो जाए। उसके बाद हम ऐड करेंगे पोटैटोज, एंड जो हमने मसूर दाल बना कर रखी है उसको, मसूर दाल आप बॉईल कर सकते हैं, एक कीमा मसूर पुलाव होता है, एक होता है मसूर पुलाव, तो मैं बना रही हूँ मसूर पुलाव, इसमें मैं कीमा ऐड नहीं कर रही हूँ। एंड मैंने मसूर दाल जो है वो नॉर्मली बॉईल करी है मसालों के साथ, तो आप भी वैसे ही कर सकते हैं। तो यार गाइस, यहाँ पर मैंने इसको अच्छे से सॉफ्ट करना है, राइट। आप देख सकते हैं ये वही जिंजर गार्लिक पेस्ट है गाइस, जो मैंने बनाकर रखा था। इसका सेकंड बॉक्स मैंने निकाल लिया, रमज़ान से पहले मैं बाकी सब प्रिपेयर कर लूँगी। और आप कलर देखें, विदाउट ऑयल कलर देखें गाइस आप। तो मैं यहाँ पर ऐड कर दूँगी 1 टेबल स्पून भर कर, ठीक है जी। अब हम इसको सॉफ्ट होने तक कुक करेंगे, जब तक कि जिंजर गार्लिक की रॉ स्मेल नहीं चली जाए। यहाँ मैं सॉल्ट भी ऐड कर दूँगी, अभी इसे करते हैं बंद। यहाँ मैंने ऐड किया 1 टेबल स्पून, क्योंकि ग्रीन चिलीज ऑलरेडी बहुत सारी डाली है मैंने, 1 टेबल स्पून मैंने यहाँ पे रेड चिली पाउडर, एंड 1 टेबल स्पून भरकर आमचूर पाउडर, ठीक है जी। तो ये हमने ऐड कर दिया है, और अब हम इसको अच्छे से सौते करेंगे। आमचूर पाउडर से थोड़ा सा यू नो खटास सी आ जाती है, थोड़ा सा फ्लेवरफुल और हो जाती है डिश। तो यहाँ पुलाव में बना रही हूँ, तो इसलिए मैंने ये सब ऐड किया है। तो अब यहाँ इस स्टेज पर ये काफ़ी अच्छी तरीके से कुक हो गया है। अब मैं यहाँ ऐड कर दूँगी पोटैटोस, इसको भी हम मिक्स कर देंगे, ठीक है जी, इसे मिक्स कर देंगे हम। और अब इसमें मैं ऐड करूँगी बॉइल दाल। सो गाइस सॉरी, मैं राइस डाल दिए, आपको नहीं दिखाया है। तो यहाँ मैंने सोक्ड राइस जो है, जब दाल और आलू सब अच्छे से कुक हो गया, तो यहाँ पर मैंने, अच्छा यहाँ पर ना आलू जो है नहीं डालते हैं कीमा मसूर पुलाव में, सॉरी मैं तो मसूर पुलाव बना रही हूँ तो नहीं डालते हैं, बट मैंने अपने मुझे पसंद है आलू, तो इसलिए मैंने ऐड कर दिए हैं। तो ये वाली जो रेसिपी है ये मसूर पुलाव की है, ये कीमा मसूर वाली नहीं है पुलाव की रेसिपी, ये कीमा मसूर पुलाव की रेसिपी नहीं है, मसूर पुलाव की रेसिपी है। तो आप लोग कन्फ्यूज़ मत होइएगा, ये भी बॉम्बे में बनता है, और इसमें जो है
कीमा नहीं जाता है, इसमें राइस भी सोख किए हुए नहीं जाते हैं, इसमें डायरेक्टली जो कीमा होता है उसको अलग कुक करना होता है, दाल को अलग कुक करना होता है एंड राइस को अलग कुक करना होता है एंड देन उसको हम लेयर अप करते हैं। बट यहाँ पर मैंने जो है वेज मसूर पुलाव दिखाया है आपको, जिसमें दाल मैंने ऑलरेडी बॉयल कर ली थी मसालों में एंड राइस अलग सोख कर लिए थे, मसाला भून कर मैंने दाल ऐड करी एंड पोटैटोज़ ऐड किए, उनको मैंने अच्छे से कुक किया एंड देन मैंने राइस ऐड कर दिया। और अब मैं इसको लिड कवर कर अब मैं देख लूँगी पानी की कंसिस्टेंसी, मुझे लगता है कि नहीं है रिक्वायर्ड, तो थोड़ा सा मैं ऐड करूँगी अपने हिसाब से एंड देन इसको लिड कवर कर हम लोग इसको कुक करेंगे अप्रॉक्सीमेटली 20 मिनट्स। अभी बदलना पड़ रही है नमाज और बन रहा है उधर खाना और मैं बैठी हूँ थोड़ा सा रिलैक्स कर रही हूँ। इन कर्टेंस देखें ज़रा कितने मज़े से फ्लाई फ्लाई हो रहे हैं और मैं यहाँ बैठी हूँ। वहाँ पर कुछ हद तक ये डन है, अभी थोड़ा सा वाटर जो और है वो एब्जॉर्ब हो जाएगा थोड़ी देर में एंड आज है हम लोग की डिनर मम्मा के घर पर, तो रात को हम लोग जाएंगे डिनर पर क्योंकि अभी शाम में पेंटर भी आ जाएंगे तो वो पेंट वेंट वगैरह भी होना है, तो हो सकता है हम लोग लेट जाएँ लेकिन आज डिनर मम्मा के आएँ। तो ये हमारा अभी दोपहर में हम लोग लंच जो ये मील है वो इन्जॉय करेंगे मसूर पुलाव, और फुल रेसिपी आपके साथ शेयर करिए, ज़रूर ट्राई करना इंशाल्लाह आप भी बहुत पसंद करेंगे। बस मेरी इस रेसिपी में मैंने थोड़े से पोटैटोज़ ऐड किए हैं, मसूर पुलाव में पोटैटो ऐड नहीं होते हैं, वो चॉइस आपकी है आप कैसे उसको बनाएं, बट मैंने ऐड किया क्योंकि मुझे पसंद है। और यहाँ आप देख सकते हैं कितना ब्यूटीफुल लग रहा है और कितना टेस्टी है, ये मैं आपको नहीं बता सकती क्योंकि मैंने जस्ट अभी इसको टेस्ट किया है और बहुत डिलीशियस लगा। मेरी मदर लॉ को भी पसंद आया, एक्चुअली शी बिलोंग्स लाइक वो बॉम्बे से बिलोंग करती हैं तो उनको आइडिया भी रहता है क्या चीज़ कैसी है, तो मैंने उनको टेस्ट कराया तो उनको भी बहुत पसंद आया। ये मैंने अपनी लाइफ में फर्स्ट टाइम बनाया है, तो या गाइस रेसिपी पसंद आई हो मेरी तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, व्लॉग अगर मौका लगा तो कंटिन्यू करूँगी और अगर ज़्यादा बड़ा हो गया तो नहीं कर पाऊँगी। सो या अभी मैं इसको डिश आउट करूँगी तब आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। यहाँ पर ये लाए हैं मदर डेयरी का क्लासिक दही, और पुलाव हो या फिर जो भी राइस वगैरह का आइटम है, हस्बैंड को मेरे दही चाहिए ही चाहिए होता है तो आज ही क्लासिक का लेकर आए, मतलब मदर डेयरी का लेकर आए। चलो सिंपली डिलीशियस निकालते हैं इसको और ये देखिए गाइस करते हैं डिनर लंच करते हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल, मैं आ गई हूँ मम्मा के घर, होप करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छी हूँ और मैंने दे दिया रुखैया को उसका गिफ्ट, तो अब रुखैया करेगी ओपन। चलो रुखैया ओपन करो, चलो रोश आप ही अपना गिफ्ट ओपन कर रही हैं, जो कौन लेकर आया, अदी भाई एंड शनापी राइट, है ना बेबी, है ना ये दोनों क्यूटी पाइज आए हुए हैं जूनी एंड अरसल। चलो रुखैया खोलो एंड खोलकर हमें अपना रिव्यू दो, आपको कैसा लगा। और यहाँ पर रुखैया को मिला है एक नोट बहुत ब्यूटीफुल सा, ये देखिए जी रुखैया पढ़कर पूरा सुनाओ, चलो रुखैया सुनाए। Ashu, sister, wish you a very warm and happy birthday. You are not only the sweetest sister, but also a true friend. Oh my God! I love a sister like you. May you achieve and get all your wish for you. Isha, thank you. कैसा लगा रुकू अपना गिफ्ट, तुम्हारे जीजू ने और तुम्हारी आपी ने कैसा दिया आपको गिफ्ट, कैसा लगा आपको देखें। ये देखिए रुखैया भी दिखा रही है आपको गाइस, हैप्पी बर्थडे डियर रुखैया, थैंक यू कारवा, आपने बहुत अच्छा मैसेज दिया मेरी सिस्टर के लिए मेरी तरफ से, माय डियरेस्ट सिस्टर विश यू अ वेरी वार्म एंड अ हैप्पी बर्थडे, यू आर नॉट ओनली द स्वीटेस्ट सिस्टर बट आल्सो अ ट्रू फ्रेंड, आई फील ब्लेस्ड टू हैव अ सिस्टर लाइक यू, मे यू अचीव एंड गेट ऑल योर एवर विश फॉर, लव सना, थैंक यू सो मच कारवा। एंड गाइज इनके पेज को विजिट करें, बहुत अमेजिंग इंपोर्टेड बैग्स हैं वहाँ पर, और ये अब रुखैया खोलने जा रही है, सो लेट्स ओपन इट। चले रुकैया ओपन इट, रुकैया और बहुत कैसा लगा ये गिफ्ट, ये आपके लिए बलून्स है, ये भी गिफ्ट है आपका। अभी तक घर में किसी ने ऐसे नहीं दिया ना गिफ्ट जैसा मैंने दिया है, ओ माय गॉड, सो हियर इज दी, ये इंपोर्टेड बैग रुकैया के लिए है, कैसा लग रहा है रुकैया, बहुत 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 उसको, ओ माई गॉड दिस इज ऑल्सो फॉर यू, ये उसके लिए एक बैंड दिया है, थैंक यू सो मच कारवा। एंड कैसा लगा रुकैया आपको अपना ये इम्पोर्टेड बैग, बहुत अच्छा, खुश हो तुम, छो ना बेबी वीडियो, ओके मोस्ट वेलकम, बहुत ही सोच रही है जल्दी मेरी बर्थडे आए और आप ही मेरे को भी ऐसा ही कुछ स्पेशल गिफ्ट दे, राइट। सो गाइस रुकैया को बहुत पसंद आया, रुकैया कुछ बोलना चाहोगी मेरे व्लॉग में,
कुछ कह दो भाई, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करें प्लीज, वीडियोस को लाइक करें, फॉलो करें एंड खूब सारा सब्सक्राइब करें, शेयर करें आप की वीडियो को, ऐसे बोलो ना। सो गाइज, रुकैया को बहुत पसंद आया एंड रुकैया देखो ये कितना ब्यूटीफुल है, इसको इस तरीके से आप हैंग कर सकते हो, जस्ट हैव अ लुक गाइज, हाउ ब्यूटीफुल इट लुक्स। मैं बहुत खुश हूँ, थैंक यू पल्लवी, थैंक यू सो मच कि तुमने मेरी सिस्टर के बर्थडे को इतना स्पेशल बनाया, थैंक यू सो मच डियर, बहुत प्यारा। चलो तुम्हें पसंद आया, मुझे सबसे ज़्यादा खुशी इस बात की कि तुम्हें पसंद आया, इम्पोर्टेड क्वालिटी देखो, क्वालिटी देखो बेटा, यहाँ मार्केट में अवेलेबल नहीं है, मार्केट में अवेलेबल नहीं है ये बैग गाइस। सना आप ही तुम्हारी हमेशा ब्रांडेड चीज़ें ही देती है, लग्जरी लग्जरी, क्योंकि उन्हें खुद लग्जरी चीज़ें पसंद है इसलिए वो लग्जरी चीज़ें देती है, राइट। और मैं बच्चों के लिए लाई हूँ मसूर पुलाव जो मैंने आज जुमा में बनाया था लंच में, तो अभी बच्चे ट्राई करने वाले हैं। सो या अच्छा जी, ये आ गए हैं बर्गर बंस, क्योंकि आज रुकैया कुछ डिफरेंट स्टाइल में हम लोग को बर्गर अपने हाथ के बनाकर खिलाने वाली है, एंड ये सारे सामान हैं चीज़ वगैरह, एंड यस रुकैया चीज़ भी है ना बेटा, ओके ये मैगी एंड सम स्टफ़ यू नो पार्टी स्टफ़। तो आज एक्चुअली बर्थडे की 5th अप्रैल है रमज़ान में, बट हम लोग प्री बर्थडे बैश कर रहे हैं, प्री बर्थडे सेलिब्रेशन कर रहे हैं, इसलिए मैं गिफ्ट भी आज ही ले आई, क्योंकि मैं बर्थडे नहीं मानती हूँ, बस ये है कि जिस दिन बर्थडे उस दिन अच्छा खाना बना लो, अच्छे से इन्जॉय कर लो और बस पार्टी शार्टी कर लो यार, एंड केक कटिंग एंड ऑल मैं नहीं मानती, बिल्कुल नहीं मानती। सो या इसीलिए मैं गिफ्ट भी, मेरी खुशी थी और उसके जीजू की, उसके जीजू चाहते थे कि उसके लिए कुछ डिफरेंट और लग्जरी ले, हम अपनी तरफ से तो वही हमने उसको लग्जरी इम्पोर्टेड बैग दिया है अपनी तरफ से, एंड उसको बहुत पसंद आया। और या आज हम लोग का डिनर है मम्मा के यहाँ, एंड रमज़ान के रोज़े जो हैं या तो कल सहरी होगी या फिर परसों, एंड देन 4th को रोज़ा होगा या 3rd को, देखते हैं कब होगा, वैसे जो होगा आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। एंड पेंटर आज नहीं आए, वो कल आएंगे मॉर्निंग में 9 o'clock, और एक ही दिन में सारा पेंट हो जाएगा क्योंकि इतना बड़ा स्पेस नहीं है, बस मेरा फ्लोर ही मुझे पेंट करवाना है, तो इट्स नॉट अ बिग डील फॉर अस, तो 1 day इज इनफ फॉर हिम कि वो अच्छे से कवर कर लेंगे। सो या गाइस, अब मैं जा रही हूँ नमाज पढ़ने, भाई स्टार्ट हो गई है बर्गर की जो मैक आलू टिक्की बन रही है उसकी प्रिपरेशन, यहाँ पर ये ऑलमोस्ट सब डन है, हो रहे हैं मैक आलू टिक्की के लिए बर्गर्स फ्राई, यस पर स्टार्ट हो गया प्रोसेस, ये ब्रेड क्रम्स एंड ये है मैदा, और साथ में ये डिप कर कर इसमें, ये देखें आपका इस कितना डिलीशियस लग रहा है, और बर्गर हमारा बटर चिकन जो मेन कोर्स में रहेगा आज, एंड ये अभी फ्राई हो रही है, पूरा सैम्पल करके फिर मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। यहाँ आ गए बर्गर रेडी होकर, उसकी जो मैं आप लोगों को दिखा दूँ, इसमें चीज़ मैक आलू टिक्की एंड इसके अंदर थोड़ा सा इसने और कुछ क्या डाला रुकैया, चाट मसाला, और ये मैक आलू मैकडी बर्गर्स रेडी हो गए हैं, यू गाइस कैन सी हाउ टेम्प्टिंग इट लुक्स, माशाल्लाह बहुत टेस्टी बने हो, यहाँ है बटर चिकन यमी यमी डिलीशियस है, चलो डिनर करते हैं। सो जी यहाँ पर डिनर लग चुका है, बटर चिकन, ये रायता भी बहुत रायता डिलीशियस था, रोटी एंड कुलचे।